सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मे. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मे. डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th ऑफ जून. इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल. फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th ऑफ अप्रैल एंड फिनिशिंग ऑन 25th ऑफ मे 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून. तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन 4th. एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. दिस इज हाउ द मैप विल लुक. येलो डिनोट्स द फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली द लीजेंड्स आर गिवन. वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. सो विल स्टार्ट विद 102 द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन एंड फिनिश नॉर्थ ईस्ट, मूव अप फ्रॉम द साउथ एंड फिनिश द वेस्टर्न एरिया. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स आई एंड माय एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर फॉर दोज डिटेल्ड रिमार्क्स. Please, please hold on, hold on, hold on. So the you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए, माइकर्स आपके पास आएंगे. तो वी विल स्टार्ट विद यू इन फर्स्ट रो. वेयर आर द माइकर्स? आप आइए, इनको दे दीजिए. जो या सी सी सर विल टेक 4-5 क्वेश्चन एट वन टाइम, सो आफ्टर दैट विल टेक द नेक्स्ट पर्सन. सर मैं मोहित दुबे हूँ, न्यूज नेशन से. सर मेरा सवाल ये है कि आप
ने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन